दोस्तों, आज हम सीखने वाले लाइटरूम में फ़ोटो एडिट कैसे करें और फोटो को येलो इफेक्ट कैसे डालें। पहले हम लाइटरूम में एक फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे जिसके हम अब आज एडिटिंग करने वाले जो फोटो है वो हम सेंड करेंगे लाइटरूम में। ये लाइटरूम ऑप्शन दिख रहा है वहाँ। तो दोस्तों, सेंड हो गया है हमारा फोटो। हम अब लाइटरूम खोलेंगे। हमारा जो फोटो है वो ऑल फोटोज में आ गए, मतलब इस ऑप्शन में आ गए। तो हम देखेंगे फोटो कहाँ आ गए। ये देखो, हमारा फोटो यहाँ आ गया है, तो हम उसे ओपन कर देंगे। पहले दोस्तों, ये नीचे जो टूल दिख रहे हैं ना तुम्हें, वहाँ लाइट ऑप्शन है। उस लाइट ऑप्शन में से हम इस पर इफेक्ट डालेंगे। पहले हम एक्सपोर्स मीन्स ब्राइटनेस, आपको तो पता ही होगा, उससे हम पहले इफेक्ट डालेंगे। एक्सपोर्स ऑप्शन को हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। तुम्हारी फोटो होगी उस टाइप से तुम बढ़ा लेना। अभी तो मैं बढ़ा दे रहा हूँ। कंट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। हाईलाइट में थोड़ा कम ही रखता हूँ। शेडोज देखो भाई, जस्ट ज़्यादा रखते। वाइट्स को भी ज़्यादा रखते थोड़ा, और ब्लैक्स को भी। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन है नीचे, जो लाइट जो ऑप्शन था उसके आगे, उस पर हम क्लिक कर दिया है हमने। वहाँ जो वाइब्रेंस ऑप्शन है उसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे नॉर्मली। फिर देखो, राइट साइड में एक मिक्स टूल है। वो टूल सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इस ऐप का। जिसे भी वो आएगा वो लाइटरूम तक का तो किंग बन जाएगा, और जिसे नहीं आएगा वो लाइटरूम में एडिट ही नहीं कर सकता। इसलिए ये तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो इसके चेहरे पे इफेक्ट, फेस पे इफेक्ट लाने के लिए हम तो इसका लुमिनेंस जो है थोड़ा बढ़ाएंगे। इससे उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सिचुएशन को थोड़ा कम कर देते। और हम मैंने तो स्टार्टिंग में ही बता ही दिया था कि हम इस पर येलो इफेक्ट लाएंगे। तो येलो इफेक्ट लाने के लिए बैकग्राउंड में जो हरा कलर है उसको येलो करना पड़ेगा। इसलिए हम हरे कलर पे जाएंगे। ये जो ह्यू है वो कम करने से हमें वहाँ येलो इफेक्ट दिख रहा है, तो उसका सिचुएशन थोड़ा बढ़ा देंगे। सिचुएशन बढ़ा देने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखो, उसका शर्ट का कलर थोड़ा डार्क करेंगे तो फोटो और भी अच्छा लगेगा। इसलिए हम उसका शर्ट का कलर सिचुएशन बढ़ाकर और लुमिनेंस कम कर देते हैं, तो उसका शर्ट का कलर थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो भाई, हम डन कर देंगे। और उससे ही आगे का टूल है जो, उसके हम क्लिक करेंगे। वहाँ जो ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन है टेक्सचर, उसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे। उससे हमारी फ़ोटो थोड़ी हार्ड बन जाएगी। और फिर चौथे नंबर पर जो विग्नेट ऑप्शन है उसको भी हम थोड़ा विग्नेट ऑप्शन डाल देंगे उस पर, अच्छी दिखने के लिए फोटो। तो विग्नेट इफेक्ट भी हो गई है। तो उसके आगे का टूल है, हमारे फोटो को स्मूथ करना पड़ेगा। इसलिए हम उस ऑप्शन को दबाकर शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे। और फिर जो नॉइस रिडक्शन यहाँ लिखा हुआ है उसको थोड़ा नॉर्मली बढ़ा देंगे। हमारा फोटो तो भी स्मूथ बनेगा, अच्छी तरीके से दिखेगा। देखो, हमारा फोटो स्मूथ बन गया है। और फिर उसके नीचे कलर नॉइस रिडक्शन है, वो भी थोड़ा बढ़ा देंगे। देखो भाई, अपना जो इमेज है वो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ बन गए। अब हम इसे रिमूव क्रोमेटिक एबर्शन, ये आगे वाले ऑप्शन में से वो ऑप्शन है, वो बढ़ा देंगे। इससे हमारी फ़ोटो थोड़ी अच्छी दिखेगी। तो देखो, हमारी फ़ोटो एकदम तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी फ़ोटो। ऐसे ही फ़ोटो तुम्हें भी करने हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और
हम अब इस फोटो को सेव टू डिवाइस ऑप्शन, यहाँ जो लिखा है सेव टू डिवाइस ऑप्शन, उसमें उसको दबाकर सेव कर देंगे। हमें हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी यह ऑप्शन चूज कर लेना है, इससे हमारी फोटो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सेव हो जाएगी, और ओके कर देना है। तो देखो हमारी फोटो एक्सपोर्ट हो गई है।